हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पूरे वीक का करंट अफेयर पढ़ेंगे, 7 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में। ठीक है, पूरे सप्ताह का मैंने 10 जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो मैंने सेलेक्ट किया है। चलिए हम लोग देखते हैं, हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसने जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये जीता है दोस्तों हरियाणा ने। ठीक है, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड हरियाणा ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में IMF किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन ऋण प्रदान करेगा? किस देश को करेगा दोस्तों? ये करेगा स्विट्जरलैंड को, अमेरिका को, बांग्लादेश को। स्विट्जरलैंड अमीर कंट्री है, अमेरिका भी अमीर है, तो किसको करेगा आर्थिक संकट से निपटने के लिए? बांग्लादेश को करेगा। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है दोस्तों? बांग्लादेश का ढाका, मुद्रा टक्का, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। वर्ष 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2023 में महिला मुक्केबाजी का चैंपियनशिप कौन सा देश करेगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड करेगा कि भारत करेगा कि बांग्लादेश करेगा कि चीन करेगा? तो 2023 में महिला मुक्केबाजी की चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा दोस्तों भारत। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है? मुख्यमंत्री देवदर्शन मतलब जहां पे देवभूमि है उनकी दर्शन के लिए किस स्टेट ने किया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने, गुजरात ने, छत्तीसगढ़ ने, ये किया है दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री ने। कौन है गोवा के मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत। ठीक है, अभी वहां पे बीजेपी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी। तो हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? T20 में 4000 रन कौन होंगे दोस्तों? विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांडे। T20 में 4000 रन बनाने वाले हमारे हैं विराट कोहली जी, चिक्कू जी। ठीक है, जिनको प्यार से लोग चिक्कू जी बुलाते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तराखंड करेगा, राजस्थान करेगा, केरल करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा? तो वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स पे काफी ध्यान दे रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सब अलग अलग, ताकि गाँव के हमारे जो छोटे छोटे गाँव के जो बच्चे हैं वहाँ से टैलेंट उभर कर गया। ठीक है, और ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लिया। ठीक है, तो अब हमारे देश में ज़्यादा मेडल आ रहा है, गवर्नमेंट क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग अलग तरह के गवर्नमेंट जो है खेल को प्रोत्साहित कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पता ही होगा योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, वहां का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता? ठीक है, किस राज्य ने जीता सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का, मतलब वहां पे जो सार्वजनिक परिवहन है यानी बस, रेलवे, सब अच्छा सर्विस है, इसका पुरस्कार किस राज्य ने जीता है दोस्तों? केरल ने या राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश ने या उत्तराखंड ने, बताइए। बेस्ट सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अवार्ड जीता है केरला ने जीता। ठीक है, जहां पे साक्षरता 100% है। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा गरीबी वहीं, सबसे कम गरीबी वहीं पे है केरला में ही, सबसे साक्षर लोग केरला में ही है। ठीक है, यहाँ पे लिटरेसी रेट 100% है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फिल्म महोत्सव जहाँ भी आ जाए फिल्म महोत्सव, केरल, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड। न केरल में होता है, न राजस्थान में, न उत्तराखंड में, ये एक ही जगह होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का
महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? गोवा में, ठीक है, गोवा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडोनेशिया ने किस देश को हाल ही में G20 धर मंच की अध्यक्षता सौंपी है? G20, इसमें भी हाल ही में मोदी जी इंडोनेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, तो किस देश को सौंपी है दोस्तों? स्विट्जरलैंड को, भारत को, बांग्लादेश को, चीन को? तो इंडोनेशिया ने अभी हाल ही G20 का धर मंच की अध्यक्षता सौंपी है भारत को, ठीक है। भारत को क्यों? क्योंकि G20 2023 जो है भारत में होने वाला है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। तो 2023 का G20 सम्मेलन कहाँ होने वाला है? भारत में, जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है। तो अभी मोदी जी वो G20 के लिए निकल चुके हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है कहाँ है? इंडोनेशिया के माली में G20 का अभी इस बार हो रहा है। इंडोनेशिया एक कैपिटल है, इंडोनेशिया का जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पे लोग हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं काफी। वहाँ पे नोटों पे गणेश जी का फोटो है, ठीक है। तो इंडोनेशिया बहुत अच्छा कंट्री है। तो वहीं पे अभी G20 का समिट हो रहा है माली में, वहीं पे है, इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है, वहीं पे है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ पहुँच गए हैं, और 2023 का होने वाला है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य सरकार ने किया है? केरल, कर्नाटका, गोवा, उत्तराखंड। ये कौन किया है दोस्तों? ये किया है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने स्कूली छात्रों को प्रतिदिन 10 मिनट योग अनिवार्य कर दिया है। तो वहां का सीएम कौन है दोस्तों? बासव राज बोम्मई जी हैं, ठीक है। उन्होंने किया है कर्नाटका में स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट योग अनिवार्य, ठीक है, जो कि जरूरी भी है, हर स्टेट में कर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आज ये हमें पूरे वीक का था टॉप 10 करंट अफेयर, ठीक है। इसी तरीके से हम डेली भी लाने की कोशिश करेंगे या वीकली बेस पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से टाइम मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं आज आपको, ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, थैंक यू।